वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा ही था कि हमने जन्माष्टमी प्रिपरेशन कैसे करी, इस व्लॉग में आप देखेंगे कि हमने जन्माष्टमी कैसे मनाई। तो चलिए मेरे साथ। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को दूध, दही, घी, शहद, बूरा से स्नान कराया गया। हमने लड्डू गोपाल जी को नए नए कपड़े पहनाए, बहुत सारी चीज़ें बनाई, माला, कंगन, बांसुरी, मुकुट। फिर हो गए भगवान जी कितने सुंदर तैयार। फिर हमने उन्हें बिठाया झूले पे, ने पहनाई बहुत सुंदर माला और लगाया फलों का भोग। फिर हमने लड्डू गोपाल जी को चढ़ाए बहुत सारे फूल। मैंने बनाए भोग के लिए पेड़े जो थे बहुत ही टेस्टी। वो थी बहुत सिंपल रेसिपी, बने थे खोए और बूरे से। मैं किया बूरे को मिक्स, मिक्स करने के बाद बनाए छोटे छोटे पेड़े। एक के मुंह में आया पानी, हमने मांगा टेस्ट के लिए एक पेड़ा। पापा ने कहा नहीं, ये रात को लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए है। गाड़ियों में और पेड़े बनाते बनाते हो गई रात। आ गई अब पूजा की बारी। और रणवीर ने की पूजा और मैंने बनाई वीडियो। खत्म होने के बाद हमने सोचा चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। लोग भी हमारे साथ चलिए और कीजिए भगवान जी के दर्शन। बहुत ही सुंदर, मम्मी पापा ने भगवान जी को झूला झुलाया। के बज गए 12 और हमें आने लगी नींद, पर हो गया भगवान जी के जन्म का वक्त। भगवान जी को जन्म करवाने के बाद हमने की उनकी आरती और लगाए बहुत सारे भोग। तो मनाई हमने अपनी जन्माष्टमी। चले गए हम सोने क्योंकि सुबह उठ के जाना था स्कूल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।